नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आइए हम आपको बताते हैं ईपीएफ में क्या, अगर किसी का पैसा है, पीएफ का पैसा निकालना है, अगर किसी की दिक्कत आती है तो उसको कैसे निकालेंगे, ये हम आपको बता रहे हैं। ये सबसे पहले टाइप करना है आपको EPFO GSM, ये आपको टाइप करना है। ईपीएफ का पैसा कभी भी निकालना हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको ये टाइप करना है। जैसे आप खोलेंगे ये वाला वेबसाइट खुलेगा, रजिस्ट्रेंट गिवेंस, ये वाला वेबसाइट जैसे खुलेगा आपको, अब इसमें क्या करना है आपको, ये रजिस्टर्ड वेबसाइट है जहाँ से आपको ईपीएफ में किसी तरह का अगर इशू है, मैं डेस्कटॉप साइट पे भी आपको दिखाता हूँ, ये डेस्कटॉप साइट खोल सकते हैं आप इसमें, या लैपटॉप साइट खोल सकते हैं। इसमें पीएफ के किसी तरह का पैसा आपका फंसा हुआ है, पेंशन का पैसा फंसा हुआ, बार बार आवेदन दे रहे नहीं हो रहा, तो इसमें आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पीएफ नंबर डाल करके, ठीक है, कोई आईडी है आपके पास, नहीं है तो आप यहाँ पे अदर में जाकर के क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स डालेंगे, जिसके नाम से आपको कंप्लेन करना है, यहाँ नाम डालेंगे, डिटेल डालेंगे, अल्टरनेटिव एड्रेस डालेंगे, ठीक है, एक पिन कोड डालना होता है, उसके बाद आपको कंट्री इंडिया ही रहेगा, उसके बाद स्टेट आप डाल दीजिए जो भी आपका स्टेट है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश का दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है, डिटेल डालना है, ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद आपको ग्रेवेंस किस चीज से रिलेटेड है, यहाँ पे देखिए सारी ग्रीवांस हैं आपके, उसका हेड ऑफिस कौन सा है उस एरिया में, देखिए जैसे मैंने आंध्र प्रदेश डाला था, यहाँ पे चार हेड ऑफिस है इनके, तो पर्टिकुलर एक जगह को इसमें सेलेक्ट कर लीजिए जिस जगह पे आप हैं। उसके बाद ये सारी डिटेल के बाद आपको जो भी डिटेल है उसका एड्रेस, जो कंपनी है, नेम ऑफ स्टीममैन, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, वो डिटेल। उसके बाद आपका डिमांड क्या है उस कंपनी से, क्या नंबर आप कंपनी से मांग सकते हैं, उसमें कितना पेमेंट है, ये सब सारी चीज़ आप इससे जा करके, इससे रिलेटेड आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके अलावा क्या करना है आपको, जो भी इशूज है आपका, वो सारा इशूज आपको यहाँ पे भर देना है, यहाँ पे कैटेगरी के बाद डिस्क्रिप्शन डिटेल में। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चर फिल करना है, यहाँ पे कैप्चर फिल करना, उसके बाद आपको सबमिट करने कर देंगे। जैसे ये सबमिट होगा आपका, कुछ दिन बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे चला जाएगा, सारा मैसेज वगैरह। उसके बाद अगर इसमें किसी तरह का क्वायरी है, आप इस पर कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। इस तरह आपका पीएफ का कोई भी रुका हुआ पैसा, कोई भी इशूज है, पेंशन है, सब तरह का कंप्लेन आप इसमें कर सकते हैं। ये सरकारी वेबसाइट है ऑल ओवर इंडिया के लिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो आपको नहीं पता है तो आज ही हमारे वीडियो से ट्राई करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ये वेबसाइट मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ, ये वेबसाइट आपको खोलना है, ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, EPFGOV.in। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर।